वेलकम बैक दोस्तों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है पहले समझेंगे, और फिर उसका यूज क्या है और कंप्यूटर में उसका क्या रोल है ये समझेंगे हम लोग। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक इंटरफेस है किसके बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। मतलब जो हमारा मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, और जो हमारे सॉफ्टवेयर अंदर पड़े हुए हैं। सपोज करो आप एमएस ऑफिस ले लो, एमएस वर्ड ले लो, या कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप ले लो, जैसे मान लो आप कोई गेम का है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इनको जो रिलेट करता है, ऑपरेट करते हैं जब आप, तो किसके थ्रू करते हैं, तो वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली जो रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या होता है कि ये एक इंटरफेस का काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है, बीचवलिए का काम करता है किसके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। जो अगर आप टेक्निकल बात करें तो बिना आप हार्डवेयर, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंप्यूटर होता है वो बेयर मशीन होता है। या जो आप दूसरी भाषा में बोले, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर हो चाहे वो हार्डवेयर हो, दोनों बेकार है। तो जो हमारा मेन मोटिव है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन करना, जो है कि अगली स्लाइड से आपको बताएंगे। चलिए अब स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए अब स्लाइड्स में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग अभी यूजुअली बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस के रूप में काम करता है किसके बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब अगली लाइन बोल रहा है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज ए वेयर मशीन। मतलब कह रहा है कि जो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर में नहीं है तो वो कंप्यूटर कूड़ा है, कबाड़ा है, डब्बा है, मतलब बेकार है एक तरह से, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट अलाउ द यूजर टू वर्क विद द कंप्यूटर विदाउट एनी इंटरप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सिस्टम है, या ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सोर्स है जिसके द्वारा आपका कोई भी काम बिना रुके काम होता है, एग्जीक्यूट होता है, स्मूथ होता है। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा यार ऑपरेटिंग सिस्टम तो समझ गए कि ये इंटरफेस है, ये इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, बेकार हो जाएगा, ये जो है सारे रुकावटों को अपने तरफ रिजॉल्व कर लेता है, सॉल्व कर देता है, इसको किसी तरह का बैरियर नहीं जने के रहता। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जो है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, विंडोज है, सन सोलारिज है, एंड्रॉयड है, जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो सब क्या है, एक एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, विंडोज, लाइनेक्स, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, टाइप नहीं है। कंफ्यूजन होती है आप लोगों को टाइप और एग्जाम्पल्स। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अब बोलता है कि हमारे पास दो एग्जाम्पल्स फेमस हैं जो लाइनेक्स है और विंडोज है, दोनों ज्यादा यूज होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइनेक्स क्या है और विंडोज क्या है, सबसे पहले समझते हैं। हम लोग मोरल बात करते हैं फिर स्लाइड पे आएंगे। लाइनेक्स क्या करता है, देखिए लाइनेक्स फ्रीली अवेलेबल होता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है, बहुत सिक्योर होता है, पढ़े लिखे लोग ही यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये कमांड बेस्ड होता है, इसमें आप कमांड देंगे तब चलेगा। विंडोज क्या होता है, पेमेंट बेस्ड होता है, लाइसेंस बेस्ड होता है, ओपनली अवेलेबल नहीं है, सिक्योर होता है ये नो डाउट, लेकिन इसे कोई भी यूज कर सकता है क्योंकि ये क्लिक ड्रैग एंड ड्रैग पे काम करता है। तो चलिए अब आप बात करते हैं हम लोग उसके टेक्निकल नोट्स पे कि प्राइस वाइज जो अगर बात करें तो प्राइस वाइज लाइनेक्स फ्रेंडली है, और विंडोज क्या है, चार्जेबल है, जिसका चार्ज कम से कम $50 से $150 है। अब ईज की बात करें, मतलब कौन ईजी होता है, तो लाइनेक्स इजी नहीं होता है क्योंकि ये कमांड बेस पे ऑपरेट होता है, कमांड डालेंगे तो चलेगा, कमांड नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन विंडोज की बात करें तो वो इजी होता है क्योंकि उस पे क्या होता है, वो इजीली ऑपरेट हो जाता है, उसको ड्रिक करो, क्लिक करो, चल जाता है आपका। अब रिलायबिलिटी की बात करें, रिलायबिलिटी दोनों ज्यादा बढ़िया होती है, प्रॉब्लम क्या होती है अब समझते हैं कि जब ज्यादा टाइम आप चलाते हैं तो लाइनेक्स को कभी भी रीबूट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन विंडो को 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा बाद एक रिबूट की जरूरत पड़ती है। रिबूट मतलब होता है रिफ्रेश करना, सिस्टम को दोबारा से रिस्टार्ट करना, उस समय जरूरत पड़ती है कि उसके मैनेज होता है रिसोर्सेस को। तो विंडोज इस मैटर में आपका थोड़ा सा लैक होता है, बिकर होता है किससे, लाइनेक्स, रिलायबिलिटी के मैटर में। सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर लाइनेक्स के पास है, लाइनेक्स हैज अ लेस चॉइस ऑफ अवेलेबल सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर की बात करें तो लाइनेक्स में बहुत सारे, बहुत कम चॉइस मिलता है आपको सेलेक्ट करने के लिए कि आप लाइनेक्स में ले लें, यूनिक्स ले रहे हो, बंटू ले रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं। विंडोज में बहुत ऑप्शन था आपके पास, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, बहुत सारे ऑप्शन है। अब सिक्योरिटी की बात करें, बोथ आर द सिक्योर, बोथ आर द सिक्योर, ठीक है ना, गुड।
अब ओपन सोर्स की बात करें तो लाइनक्स ओपन सोर्स है, इसीलिए तो फिर भी अवेलेबल है, और जो एंड्रॉयड विंडोज है वो अब ओपन सोर्स नहीं है क्योंकि वो प्राइस बेस है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे शुरू होता है टाइप। अभी तक जो आप देख रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑफिस में, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे आप बैंक में देखे होंगे, पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। बैंक में जाते हैं हम लोग, कभी गए होंगे आप तो बैंक में, जब आप पैसा लेने पहले जाते थे तो एक टोकन मिलता था, जब स्लिप भर के जमा कर दिया आपको एक टोकन मिलेगा, सिर्फ 10 नंबर का टोकन है मुझे, किसी को 20, किसी को 30। अब बैंक मैनेजर पहले स्लिप सबका ले लेता था और फिर वो जब स्लिप लेने के बाद वो इवेल्युएट करके सारा वेरिफिकेशन करने के बाद वो टोकन अगेन आपको कॉल करते थे। उनके पास स्लिप टोकन वही होती थी, 10 नंबर आ जाओ, 12 नंबर आ जाओ, तो वो आदमी जाता था, वो पर्सन जाता था और उसको पेमेंट मिलता था। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी भाषा में समझाऊँ आपको तो समझने के लिए बात करिए, सपोज करिए प्रेयर होता है स्कूलों में, तो पहले नर्सरी क्लास जाती है प्रेयर के लिए ग्राउंड में, फिर जाता है आपका LKG UKG लाइक दैट, इस तरह के जाते हैं। तो व्हाट आर दिस, दिस आर द बैच, दिस आर द बैच, यानी एक समूह, एक ग्रुप, एक ही तरह के ग्रुप को जब हम एक साथ डिलीवर करते हैं तो उसे हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसके एग्जाम्पल समझने की बात करें तो पेरोल है और बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है डायरेक्टली कंप्यूटर से कंट्रैक्ट नहीं करता है। दिस type of operating system does not interact with the computer directly. There is an operator which takes similar job having same requirement and move them into the batches. So, इनको क्या करता है? एक बीच में एक operator होता है जो इनको grouping करता है, उसको requirement के हिसाब से batch को release करता है और आगे बढ़ाता है। चलिए ये example से देख लीजिए, job और एक कई सारे job जा रहे हैं, उनके batch create किए जा रहे हैं, batch और फिर CPU को task किया जा रहा है। Example से समझने की बात करती, अब आइए आगे बढ़ते। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू गेस और नो द टाइम रिक्वायर्ड बाई एंड जॉब टू बी कंप्लीट। ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कि ये पता करना कि कौन सा बैच कितना टाइम लेगा। ठीक है ना, प्रोसेसर ऑफ द बैच सिस्टम नो हाउ लॉन्ग जॉब शुड बी व्हेन इट इज इन क्यू। प्रोसेसर जो होता है उसे पता होता है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन यूजर को पता नहीं चलता है। ठीक है ना, मल्टीपल यूजर कैन शेयर द बैच सिस्टम, बहुत सारे यूजर बहुत सारे बैचेस को रिलीज कर सकते हैं। द आइडियल टाइम फॉर द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी लो, जो नॉर्मल हम एज्यूम करते हैं वो बहुत कम होता है। इट इज इजी टू मैनेज लार्ज वर्क, क्यों मैनेज करने में लास्ट वर्क को क्यों, क्योंकि ग्रुपिंग कर देता ना, तो ग्रुप कर देगा तो आपका 100 काम है, ग्रुप कर दीजिए 10-10 का ग्रुप बनाएंगे 10 हो गया, आपको काम कितना हो गया 10 हो गया, पहले था 100 अब वो 10 पार्ट में पूछ जाता है। ठीक है ना, आप देखिए इसके डिसएडवांटेज की तरफ बात करें, दिस कंप्यूटर ऑपरेटर शुड बी वेल नोन विद बैच सिस्टम, बैच की तरह जानते हैं, बैच होता है, बैच की तरह काम करता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, बैच क्रिएट करेंगे, बैच कंप्लीट करेंगे, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बैच सिस्टम और हार्ड टू डिबग, अब जो बैच होता है उसमें एक दो खराब है, मान लीजिए सपोज के 10 का ग्रुपिंग कर दिया एलिमेंट में, उसमें 10 एलिमेंट को पूरा एक कंबाइन मान के पास आउट कर दिया था, सपोज कह रहे थे कि एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए 10 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें एक चोर छुपा हुआ है, हम 10 को एक पास कर दिए, 2-4 को चेक किए, बोले जाओ, अब उसमें जो नहीं चेक किए वो सपोज करिए वही चोर था तो निकल गए ना। दिस इज द डिफिकल्टीज ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज सम टाइम कॉस्टली, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है, कभी कभी जैसे फॉल्ट दे देगा जो आपके चेक में नहीं आया था। द अदर जॉब विल हैव टू वेट फॉर एन अननोन टाइम इफ एनी जॉब फेल्स, अब सबको वेट करना पड़ेगा जो अगर एक का फेल हो जाता है, सपोज 10 लोग हैं ग्रुप में और एक कोई फेल हो जाता है तो 10 को फिर से तब तक वेट करना होगा जब तक एक जो फेल हुआ वो पास ना होता है। इसके एग्जाम्पल है पेरोल और बैंक स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अगर हम लोग जानते हैं तो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है टाइम बम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपको पता है टाइम शेयर मतलब जैसे आपकी क्लास चलती है 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, तो ये क्या हुआ टाइम स्लॉट बना जाएगा ना, 8 से 10 में सी चलेगा, 10 से 12 में आपका मैथ चलेगा, इस तरह का क्या हुआ टाइम स्लॉट कर देगा, दिस इज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो टास्क होंगे उनको फिक्स टाइम दे दी जाएगी, एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है ना, ये होते हैं इसके एग्जांपल्स हैं मल्टी टिक्स एंड यूनिक्स। ठीक है ना, इसके वर्डिंग पर बात करते हैं, ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट
so that all the tasks work smoothly. Each user get time of CPU as they use single system. सभी को individually time मिलेगा, सभी process को चलाने के, सबको अपना interact करने का time मिलेगा. This system are also known as multitasking operating system. चलिए example figure से ऐसे समझ में आएगा. Advantage की बात करते हैं, इस task get an equal opportunity, सबको अपना मौका मिलेगा. Less chances of duplication. जब सबको इंडिविजुअली मिलेगा तो डुप्लीकेट होने के चांसेस कम होते हैं. इनके जो जो आइडियल टाइम होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. डिसएडवांटेज का रिलायबिलिटी प्रॉब्लम है, जो सबको टाइम दीजिएगा तो रिलायबिलिटी का इश्यू आएगा, थोड़ा ड्यूरेबिलिटी नहीं बढ़ पाती है इनकी. वंस वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रॉब्लम एंड डेटा. इसमें सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का इश्यू आ जाता है, डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है इसमें. चलिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बात करें तो आपने सुना होगा विंडोज 2000 सर्वर आया था, ठीक है ना, और आपको विंडोज 2003 आया था, 2008 आया था, यूनिक्स, लिनक्स, मैक, ये सब सारे एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे. कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें डेटा को ग्रुप वाइज, एप्लीकेशन वाइज, सिक्योरिटी वाइज मैनेज करते हैं, ठीक है. तो उनकी क्या हो जाता है, उससे आपका डेटा सेफ जाता है, पैकेट वाइड जाता है, ग्रुपिंग में जाता है, सेफली हैंडल होता है, क्रॉस चेक हो जाता है, ये सब सारी चीजें इसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखिए एग्जांपल देखिए, बीच में सर्वर है, चारों तरफ क्लाइंट्स आपको अटैक कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन शेयर इन्फॉर्मेशन ले रहा है. क्लाइंट वन अपना डेटा दिया लिया, उससे किसी को मतलब नहीं है. क्लाइंट टू अपना डेटा दिया लिया, किसी से मतलब नहीं. सर्वर सेम है, सर्वर शेयर कर रहा है उससे, ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं. हाई स्टेबलाइज, हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर होता है. कंपनियों में देखे होंगे, कॉलेज में देखे होंगे, सर्वर रूम होता है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है, प्रॉपर एसी चलती है, उसको बहुत ज़्यादा सिक्योर रखा जाता है. सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है इसके ऊपर. न्यू टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है. सर्वर एक्सेस आर पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम द, ये सर्वर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. अब डिसएडवांटेज की बात करें तो सर्व एज कॉस्टली, जो इनके सर्वर बनते हैं इनको जो कॉस्टिंग आती है बहुत ज़्यादा होता है. यूजर हैज टू डिपेंड ऑन द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ पर्सन, आपको मेन सर्वर पर डिपेंड रहना पड़ेगा. मेन सर्वर बैठ गया तो सारा सिस्टम बैठ जाएगा. जैसे बैंकों में आप कभी कभी देखते होंगे, सर्वर बैठ गया काम नहीं होगा आपका, ठीक है ना. मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड रेगुलरली, इनके बीच बीच में आपको मेंटेनेंस और अपडेट करते रहना पड़ेगा. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है एग्जाम्पल दिया, टाइम बम, रोबोट, एयर ट्रैफिक, बीपन सिस्टम जिसको बोल देते हैं, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. ये टाइम बेस पे काम करता है, इसमें क्लॉक लगे होते हैं, इसको शेड्यूल उस टाइम पे, उस इंटरवल पे अपने आप एग्जीक्यूट करते हैं. दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व्स एज अ रियल टाइम सिस्टम. दिस द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू द इनपुट इज वेरी स्मॉल, बहुत कम समय के लिए, बहुत छोटे समय पे एग्जीक्यूट किया जाता है. दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम, जो आपको टाइम दिया जाएगा उसको रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हमने बोल दिया आपको. आगे बढ़ते हैं. अब ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विस क्या है, मतलब काम क्या करता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, जितने प्रोग्राम्स होंगे इनपुट आउटपुट को ऑपरेट मिलेगा. फाइल सिस्टम को मैनिपुलेशन में फाइल ट्रांसफर वगैरह जो होता है, कम्युनिकेशन करेगा, एरर कोई आ गया उसको रिटेक्ट करेगा, रिसोर्स एलोकेशन करता है और प्रोटेक्शन के लिए करता है, प्रोटेक्ट करता है. अब आपको बोलते हैं फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. जो फीचर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है, प्रोटेक्ट एंड सुपरवाइज द मोड, सुपरवाइजर मोड. ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट और सुपरवाइज करता था. अलाउ डिस्क एक्सेस एंड फाइल सिस्टम डिवाइस ड्राइवर नेटवर्क सिक्योरिटी. ये क्या करता है, अलाउ करता है कौन से डिस्क को, कौन से फाइल में, किस नेटवर्क में, किस ड्राइव के थ्रू जाना है. प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, वर्चुअल मेमोरी, मल्टीटास्किंग के थ्रू हैंडलिंग द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जितने भी इनपुट जाएंगे आउटपुट आएंगे क्या होगा कैसे होगा ये सब इसका काम है. मैनिपुलेशन ऑफ द फाइल सिस्टम, जैसे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं तो आपने ए बी डाला सी बन के आ गया, ये मैनिपुलेशन हो जाता है. एरर डिटेक्ट करता है और उसको हैंडल करता है. रिसोर्स को एलोकेट करता है, कहाँ से ए आएगा, कहाँ से बी आएगा, क्या सी बनेगा, वो सब इसका काम होता है. इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन, कौन से इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएंगे, किस रिसोर्स से आएंगे, क्या प्रोटेक्शन उसको देना है, उसका इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं होना चाहिए. ऑल दीज आर द टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. थैंक यू वेरी मच. अब हम लोग अगले जो लेक्चर होंगे उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले समझ लेते हैं. अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग से बेसिस, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड उसके टॉपिक.